जनपद मथुरा में वृंदावन कोतवाली में बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन का केस दर्ज। आपको बता दें कि एसडीएम छाता ने दर्ज कराई रिपोर्ट। पहले दिया था नोटिस, वही नोटिस के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए अधिकारी बिना अनुमति के दो दिन पूर्व आज ही गांव के सरकारी स्कूल से हेमा मालिनी की हुई थी जनसभा। हेमा मालिनी के आने से पहले भीड़ जुटाने के लिए किया गया था अश्लील डांस। कार्यक्रम हुआ है, हेमा मालिनी का कार्यक्रम है, इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, पहले तो आप ये समझ लें कि किसी भी सरकारी विद्यालय में कोई भी चुनाव संबंधी कार्यक्रम राजकीय विद्यालयों में नहीं हो सकता है, ये स्पष्ट है। प्राइवेट विद्यालयों में भी यदि कोई विद्यालय के ग्राउंड इत्यादि को उपयोग में लाता है तो उसकी प्रायर परमिशन मैनेजमेंट से और उप जिलाधिकारी की अनुमति से ही कर सकता है। इस कार्यक्रम के बारे में जो आप कह रहे हैं, कल तथ्य संज्ञान में आया था शाम को और संबंधित एआरओ को इस बात के लिए निर्देशित कर दिया गया था कि इसमें तत्काल पूरी तथ्यों की छानबीन करके दोषी के विरुद्ध जो भी विधिक कार्रवाई है, यदि आवश्यकता है तो उसमें एफआईआर भी दर्ज करें और कार्रवाई करें। एआरओ ने अवगत कराया है कि वो संबंधित को, जिन लोगों ने परमिशन, उन्होंने मुझे बताया था कि परमिशन उस गाँव में कार्यक्रम की दी गई थी लेकिन विद्यालय में नहीं दी गई है, तो जिन लोगों ने परमिशन गाँव में कार्यक्रम करने का लिया और विद्यालय में किया वो लोग भी दोषी हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी और इन सभी संबंधित को जिन्होंने परमिशन लिया उनको कल ही एआरओ द्वारा नोटिस जारी कर दी गई है और नोटिस का तुरंत जवाब आते मान विधिक रूप से जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हम लोग करेंगे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए दीपक चौधरी की रिपोर्ट, मथुरा। जनपद इटावा के भरतना में नगर के मोहल्ला मोतीगंज में तंबाकू व्यवसायी के व्यावसायिक आवास पर जीएसटी की टीम द्वारा अचानक छापा मार दस्तावेजों को खंगालने का सिलसिला 20 घंटे बाद तक जारी बना रहा। वहीं दूसरे दिन भी तंबाकू व्यवसायी के करीब आधा दर्जन ठिकानों पर भी छापा मारा गया। साथ ही आवास पर मौजूद जांच दल द्वारा नोट गिनने की दो मशीन सहित खाली टीन के बक्से मंगाए गए। वहीं उक्त के संबंध में जांच दल के अधिकारियों ने मीडिया से दूरी बनाकर पड़ताल जारी रखने की जानकारी दी। बीती शाम बुधवार को तंबाकू व्यवसायी के आवास पर जीएसटी टीम द्वारा छापा मार कर दस्तावेजों को खंगालने का क्रम देर रात तक जारी रहने से कस्बा वासियों में कयास का दौर जारी बना रहा, जिसके चलते कई लोग उक्त स्थान से दूसरे दिन भर होते ही पहुंचने लगे। इस दौरान मिली जानकारी के अनुसार रात के दौरान लोहे की रॉड आवास में पहुंचाई गई व दूसरे दिन गुरुवार की भोर आवास में घुसे कारीगर द्वारा तीन तिजोरी के ताले छैनी हथौड़ी से तोड़वाए गए। वहीं दोपहर 12 बजे करीब स्थानीय एसबीआई शाखा की टीम नोट गिनती करने की दो मशीन सहित आवास में दाखिल हुए। साथ ही आवास में बैठे जांच दल के अधिकारियों के दिशा निर्देश पर टीम के अन्य साथियों द्वारा समीप ही स्थित गोडाउन में रखे स्टॉक की पड़ताल पर ताला लगाया गया। इसी के साथ तंबाकू व्यवसायी के अन्य करीब 6 ठिकानों का कारखाना, गोदाम आदि पर छापा मार कर सघन पड़ताल करते हुए ताला लगाकर सीज किए गए। वहीं अपराह्न 3 बजे के करीब कार्यवाही के दौरान आवास में कुछ देर के लिए बाहर निकले अधिकारी द्वारा मीडिया से दूरी बनाकर रखकर नो कमेंट कहकर जांच जारी रखने की जानकारी दी। कार्यवाही के दौरान तंबाकू व्यवसायी के आवास के दरवाजे जांच दल द्वारा बंद रखे जाने से उनकी अनुमति पर खोले बंद किए जाते रहे। लोगों की गाड़ियां देखी, गाड़ियां देखी हैं, उससे महसूस हुआ लखनऊ से आए हुए हैं और अभी तक कोई जानकारी हम लोगों को नहीं मिल रही है, वो मिलनी चाहिए, मोहल्ले वालों को नहीं मिल रही है और प्रेस के द्वारा भी हम लोग आपसे वार्ता कर रहे हैं, उससे भी हमको नहीं मिल रही है। घर का कोई परिवार का सदस्य अभी कोई आया आपके सामने? कोई नहीं, हमारे सामने कोई नहीं आया। अभी अंदर बंद एक तरह से, हमने इनके परिवार सदस्य को किसी को नहीं देखा, अभी ताले पड़े हुए हैं, हमारी भाई घर का सामने दिखाई पड़ रहा है, ताला पड़े ही है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सुभाष श्रीवास्तव के साथ गौरव गुप्ता की रिपोर्ट, भरतना, इटावा। जनपद इटावा के भरतना में जिला निर्वाचन अधिकारी, जिलाधिकारी व प्रभारी अधिकारी, स्वीप मुख्य विकास अधिकारी के आदेश पर लोकसभा सामान्य निर्वाचन में अधिक से अधिक मतदान हो, इस कारण एक मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन नगर भरतना में किया गया। वही रैली का शुभारंभ उप जिलाधिकारी भरतना नंद प्रकाश मौर्य द्वारा कस्बा पुलिस चौकी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रैली पुलिस चौकी से तिलक रोड, मोतीगंज, राजागंज, पालीबंबा होते हुए जवाहर रोड व अन्य मोहल्लों में घूमते हुए मतदाताओं से लोकसभा निर्वाचनों में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की गई। वही रैली में प्रमुख रूप से भरतना गजराज सिंह यादव, नायब तहसीलदार विशाल सिंह यादव, खंड विकास अधिकारी राजेश कुमार मिश्रा, वीडियो महेवा अब्दुल वहाब, आदिशासी अधिकारी राम आसरे कमल, एडीओ पंचायत अनिल वाजपेयी सहित तहसील लेखपाल अमीन, नगर पालिका कर्मी, पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारी सहित करीब 2 सैकड़ा से अधिक कर्मचारियों ने रैली में सहभागिता कर जागरूकता में सहयोग किया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सुबोध श्रीवास्तव के साथ गौरव गुप्ता की रिपोर्ट, भरतना, इटावा।
जनपद फरुखाबाद में सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह यादव ने एटा के मारहरा दरवाजे में नुक्कड़ सभा आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता सपा जिलाध्यक्ष अशरफ हुसैन ने की और जनता से गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए सपा जिलाध्यक्ष अशरफ हुसैन ने कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है और आप सभी साथियों से अपील है कि गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देकर विजयी बनाएं। वहीं सपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम आपके सेवक हैं, आपके बीच में ही रहते हैं, बड़े गर्व की बात है। भाजपा सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव आपस में इसलिए मिले हैं ताकि अनुसूचित समाज के लोग और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का भाजपा जो हक छीन रही थी उस हक को दिलाने के लिए यह दोनों दलों के नेता एक साथ आए हैं। इसी क्रम में गठबंधन प्रत्याशी देवेंद्र सिंह यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय हमारा देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, वहीं देश और लोकतंत्र खतरे में है। इन परिस्थितियों को देखते हुए मायावती और अखिलेश यादव ने यह गठबंधन बनाया है कि भाजपा को देश से उखाड़ कर फेंकना है। भाइयों, इस चुनाव में एक एक वोट हमको डालना है, हमारा एक भी वोट नहीं रहना। अगर एक वोट भी हमारे घर में रह गया, वो एक वोट क्या नुकसान करेगा, इसका आपको अंदाजा इन दिनों में मिल जाना चाहिए। जिस तरह की सरकारें चल रही हैं, जिस तरह हम आपके रोजगार को पसंद किया, जिस तरह हम आपके को नौकरी से महरूम किया गया है, जिस तरह हमको आपको काम से महरूम किया गया है, और कुंवर साहब और हम सब लोग आपसे वोट मांगने के अपील करने आए हैं कि महागठबंधन जो हमारा हुआ है उसके पक्ष में हम सब लोगों को एकजुट होके और समाजवादी पार्टी के केंद्र साइकिल पर 23 अप्रैल को बटन दबाकर भाई मोहम्मद से जिताना है। इसके लिए हम लोगों आप लोगों से अपील करने आए हैं। वैसे हम तो आपके बीच में ईद हो, बकरीद हो, चाहे मुहर्रम हो और चाहे कैसा तो कोई भी त्योहार हो, चाहे उर्स हो, हम तो आपके सेवक हैं, आपके बीच में हमेशा रहते हैं। ये आपने देखा होगा। लेकिन आज जो है मेरे भाइयों में कुछ जोश की कमी लग रही है। ऐसा क्यों है? कहीं सेवा में कोई कमी रह गई हो तो बता सकते हैं? वो हमारे सभी वरिष्ठ नेता है, उन्होंने सारी बातें आपको बताई दी है। मैं तो केवल इतना आपसे कहना चाहता हूं कि आज देश बड़ी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। देश का लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए इन परिस्थितियों को देखते हुए हमारी बहन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है और हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दोनों ने मिलकर ये महागठबंधन बनाया है। और ये महागठबंधन इसलिए बनाया है कि किसी तरह इस भाजपा की गवर्नमेंट को इस देश से उखाड़ कर फेंकना है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट, कायमगंज फरुखाबाद। जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लॉक बिजुआ में पड़ने वाले मजरा रायपुर की आज रात एक तीन अलग अलग घरों की पक्की दीवारें तोड़कर चोरों ने लाखों के जेवर और नकदी पर हाथ साफ किया, जिसमें नामांकित लोग पीड़ित हैं और पीड़ित व्यक्तियों ने यह सूचना पुलिस को दी कि जिसके चलते अलीगंज चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मौके की जांच करते हुए गांव वालों को सांत्वना देते हुए कहा कि जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाएगा। और आपको बताते चले कि गांव के लोगों ने यह भी बताया कि यहां के ब्लॉक सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान मिलकर टालमटोल करते हैं और स्ट्रीट लाइटों में बंदरबांट करते हुए गाँव में स्ट्रीट लाइट पूर्ण रूप से नहीं लगाई गयी। वही जो लगवाई गयी है वह चलती नहीं है, जिसकी सूचना ग्राम प्रधान व ब्लॉक सेक्रेटरी को दी जाती है, लेकिन फिर भी इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। और गांव में यह भी बताया गया कि ब्लॉक सेक्रेटरी अमीर चंद राणा कभी भी किसी प्रकार के मौके पर नहीं आते और गांव के हालात की नजर कभी नहीं देखते, जिससे गांव वालों में काफी आक्रोश है। टीवी वन इंडिया न्यूज चैनल से क्राइम संवाददाता लुकमान रजा लखीमपुर खीरी, और इस वक्त मैं मौजूद हूं ब्लॉक बिजुआ के रायपुर में। और यहाँ पे लगातार दूसरी चोरी की घटना है और एक ही रात में यह दूसरी चोरी की घटना है, और मैं मौके वारदात पे मौजूद हूँ। आइए यहाँ पे बात करते हैं
क्या नाम है आपका? राजेश वर्मा। राजेश वर्मा जी, तो आप ये बताइए, लगभग आपको किसी पे शक है? किसी पे नहीं शक है। शक किस टाइम की है वारदात, कुछ पता है? ये कुछ नहीं पता है। क्या क्या चोरी हुआ है आपका? ये अंगूठी सोने की गई है, नकदा रुपया गए हैं, लगभग 50,000 गए थे। अरे लगभग 50,000 रुपए का सब टोटल चोरी हुआ है। आपको जो है ये पुलिस को सूचना आपने दी थी? पुलिस आई थी। तो पुलिस वालों ने क्या सांत्वना दी? वे सब लिख ले गए हैं। अच्छा, जितनी भी चोरी हुई है वारदात में सामान, वो सब लिख ले गए सब सामान। अच्छा, कुछ नोटिस कर गए हैं आपको? कुछ बता गए? बता गए। क्या बता गए? आइएगा आप, मुकदमा लिखवाएंगे। अच्छा, और इसके साथ साथ दोस्तों मैं एक और बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे प्रशासन की और ब्लॉक बिजुआ के सेक्रेटरी मंत्री जी की इतनी अधाधुंधी जो है मतलब चल रही हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं खंभों में राडे हर खंभों में लगाई गई हैं स्ट्रीट लाइटें, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए हैं, आज तक कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं जलती। और गाँव वालों की यह भी सूचना है कि यहाँ पे सेक्रेटरी अमीर चंद राणा कभी मौके पर नहीं आते हैं, और हमेशा जब से उनकी ड्यूटी ब्लॉक बिजुआ पे जो है लगी हुई है तब से वो कभी भी एक भी बार रायपुर में नहीं पहुंचे, और यहाँ पे कोई भी स्ट्रीट लाइट ऐसी सही से नहीं लगवाई गई जो जलाई जाए। और आइए उन अमीर चंद राणा जी के बारे में यहाँ पे कुछ लोगों से राय लेते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? कभी आए हैं गाँव में? नहीं, गाँव को नहीं, गाँव हम देखे भी नहीं, नहीं देखे। राडे जो बिगड़ जाती है, जो राडे बिगड़ जाती, शिकायत करने पर गलवाने देखने कोई नहीं आता है, नहीं बनावे जाओ कोई, इधर तो मैं किधर आप बताएंगे आप अमीर चंद राणा के? हाँ, वो ऐसा है कि अगर कोई शिकायत कर्मचारी के पास भेजी जाती है कि राडे हमारी लगा गए आप, तब भी नहीं चली, तुरंत भी नहीं चली, चलती है घंटे दो घंटे चली या नहीं, तुरंत देख लेते हैं तब भी नहीं चली, कहते हैं दोबारा देख लेंगे कि दोबारा दूसरी लगाएंगे, दोबारा कोई आता ही नहीं है, कोई कर्मचारी या कोई सुनता ही नहीं, वो खा जाते हैं, बेच लेते हैं, कहीं लगी है कहीं नहीं लगी, लगी है तो पुरानी या ऐसे ख़राब लगा देते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए कोई तार नहीं लगा, ऐसे फिटिंग कर देंगे, कहते हैं अधूरी है कल पूरी कर देंगे कमी, लेकिन कोई दोबारा आता ही नहीं, सब अंधेरा पड़े हैं, अंधेरे के जरिए सब अंधेरा पड़े गाँव में, इसीलिए वारदात चोरियाँ होती हैं और ख़तरा होते हैं। ये प्रधान और सेक्रेटरी दोनों के लिए मिली भगत है। आप लोगों ने देखा जैसा कि यहाँ पे लोग बहुत ही प्रधान और सेक्रेटरी से बहुत ही आक्रोशित हैं, और यहाँ पे प्रधान और सेक्रेटरी की मिली भगत के चलते यहाँ पे अभी तक कोई भी एक भी स्ट्रीट लाइट ऐसी नहीं लगाई गई जो रात में प्रकाशित हो सके और गांव वालों को उससे कुछ जो है सहायता मिल सके और चोरियों की वारदात पे थोड़ी सी नज़र रह सके। धन्यवाद दोस्तों, मैं TV1 इंडिया न्यूज़ चैनल से क्राइम संवाददाता लुकमान रजा मोल अवस्थी के साथ, मैं TV1 इंडिया न्यूज से क्राइम रिपोर्टर लुकमान रजा लखीमपुर खीरी, और इस वक्त मैं मौजूद हूं ब्लॉक बिजुआ में पड़ने वाले ग्राम रायपुर में। यहां पे हुई अभी भी रात में आज लाखों की चोरी, जो कि मकान तोड़कर कमरे की दीवार को तोड़कर जो है लाखों की चोरी की गई और काफ़ी गहरा नुकसान किया गया। तो आइए यहाँ पे मौजूद हैं पीड़ित व्यक्ति, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? शिवचंदर जी। अच्छा, आप ये बताइए, आप किस टाइम की वारदात है, लगभग आपका क्या अंदाजा है, क्या कोई शक है? लमसम 12 बजे लमसम है। अच्छा, किसी पे शक है आपको? नहीं, शक किसी पर नहीं। अच्छा, कितना माल चोरी हुआ, इस बारे में आप क्या बताएंगे? माल लमसम 2 लाख लगभग 2 लाख का जी। अच्छा, खाली नगद में चोरी हुआ या कुछ और? नगद में भी थे, 22,000 रुपया नगद में थे, 22,000। अब बाकी तो सामान सब गया है। 22,000 रुपये नगद में, बाकी लगभग 1 लाख से 2 लाख से ऊपर जेवर हैं, ठीक है, और बाकी कोई बर्तन वगैरह भी चोरी हुआ? बर्तन भी तो गए हैं, बटला था और वो गगरा था, और जो थाली वाली थी, गिलोटा थे, मतलब जो भी था वो वजन में जो सब गए हैं। अच्छा, इसके बारे में आपने पुलिस को सूचना दी? जी, पुलिस आई थी, वो पुलिस देख कर गई है यहाँ से। पुलिस ने क्या संतावना दिया? पुलिस वालों ने कहा है आप चौकी पर आइए और जो है आपकी रिपोर्ट लिखवाते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? सुंदर लाल जी। तो आप लड़के हैं? अच्छा, आपके लड़के हैं। तो आप इस बारे में, जैसे कि आप इस कमरे में कौन लेटा था, कोई लेटा था या नहीं लेटा? कोई नहीं था, कमरा कोई जो लेटा खाली रहता है, ठीक है। तो दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पे कमरे में लगभग 12 बजे के लगभग दीवार को तोड़ा गया और 2 लाख का जेवर और लगभग 20,000 रुपये से ऊपर नकदी और काफ़ी बर्तन इनके चोरी हुए, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और मौके पर अलीगंज चौकी इंचार्ज ने आकर मुआयना किया और जल्द से जल्द चोर को पकड़ा जाने की संतावना देते हुए चले गए। धन्यवाद, क्राइम रिपोर्टर लुकमान रजा अनमोल अवस्थी के साथ।
मैं टीवी वलेंडिया न्यूज चैनल से क्राइम रिपोर्टर लुकमान रजा लखीमपुर खीरी और यह ब्लॉक बिजुआ के रायपुर में लगातार आज रात तीसरी घटना है। और आइए यहां पास मौजूद पीड़ित से मैं चर्चा करता हूं इस विषय में। क्या नाम है आपका? अमिताभ प्रसाद। तो आप ये बताएं यह वारदात कैसे हुई, यहां पे कोई रहता है या नहीं आपके यहाँ? नहीं। अच्छा, इसके अलावा आपको कोई दूसरा घर है जहाँ आप रहते हैं? अच्छा, यह घटना ताला तोड़ के की गई या दीवार? ताला तोड़ के। कितनी चोरी हुई लगभग, क्या क्या चोरी हुआ? 15 लगभग 15,000 रुपए की चोरी हुई है, जिसमें क्या क्या सीमित शामिल है? दो जोड़ पायल, चार थाली। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे लगातार जो है ब्लॉक बिजुआ के रायपुर में यह तीसरी घटना, एक ही रात में तीन जगह अलग अलग घरों को लूटा गया। धन्यवाद दोस्तों, मैं क्राइम रिपोर्टर लुकमान रजा अनमोल अवस्थी के साथ टीवी वन इंडिया न्यूज चैनल। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए लुकमान रजा की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी। जनपद गोंडा में सरकार ग्राम विकास के चाहे जितने दावे कर ले, लेकिन विकास कार्य का दायित्व जिन अधिकारियों के हाथों में होता है वह उसकी धज्जियां उड़ाने से नहीं चूकते। आपको बता दें कि यह ताजा मामला विद्युत विभाग से संबंधित है। यह मामला गोंडा जनपद तरबगंज तहसील अंतर्गत पड़ने वाले घाचा बीकापुर मानादेव घड़कन पूर्वा कोईरन पूर्वा के ग्राम वासियों का है। वही ग्राम वासियों ने अपने शब्दों में टीवी वन इंडिया न्यूज को बताया है कि विद्युत विभाग ने मीटर विद्युत कनेक्शन मीटर साथ ही खम्भे भी लगा दिए गए, ट्रांसफार्मर भी बिठा लिया गया, लेकिन विद्युत की सप्लाई अभी तक गांव में चालू नहीं की गई, जिस चीज की आवश्यकता ग्रामवासियों को ज्यादा है विद्युत सप्लाई की, वहीं विद्युत विभाग ने उन्हें नहीं दी। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द विद्युत विभाग को निर्देश देकर विद्युत सप्लाई गांव में करवानी चाहिए, जिससे गांव का विकास संभव हो सके। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, गोंडा। जनपद फरुखाबाद के थाना कमालगंज के गांव रसीदपुर में बोरवेल का काम चल रहा था कि कल दोपहर 2:30 बजे जब मजदूर खाना खाने के लिए चले गए, तो वहीं शाम को बच्चों के साथ खेलते खेलते नरेश की बेटी, जिसकी उम्र करीब लगभग 5 साल बताई जा रही है, लेकिन उसको क्या पता था कि आगे जो गड्ढा है वो 60 फीट गहरा है, कि पलक झपकते ही बच्ची बोरवेल में गिर गई। वहीं गिरने की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। पुलिस को सूचना देने के बाद प्रशासन अधिकारी भी पहुंचे, उसके साथ गांव के लोग बचाने में जुट गए, लेकिन कामयाबी न मिलने के बाद सेना की मदद लेनी पड़ी। वहीं जेसीबी से खुदाई जारी की गई, जो गड्ढा खोदा जा रहा था उसमें सेना के 2 जवान भी फंस गए, जिसके बाद उनको बाहर निकाला गया। वहीं जिलाधिकारी मोनिका रानी ने एनडीआरएफ को बुलाया, साथ ही बचाव का काम जारी, जगह कम होने के चलते रेस्क्यू में हो रही है परेशानी। वहीं सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण रेस्क्यू में कर रहे मदद, 25 फीट से ज्यादा हो चुकी है बोरवेल के पास जेसीबी की खुदाई, सेना के 1 सैकड़ा जवान ऑपरेशन में लगे हैं। मिट्टी धसकने के चलते सेना ने पूरी रात चलाया ऑपरेशन फतेहगढ़। कैंटोनमेंट में सेना की दूसरी टुकड़ी भी पहुंची। वहीं मासूम बच्ची को सेना के बचाने की कवायद जारी, तकरीबन 14 घंटे से सेना कर रही है ऑपरेशन पर काम। वहीं आगरा से मौके पर पहुंची सेना की पैरामिलिट्री फोर्स, मौके पर चल रहा है काम। अब सवाल ये है कि इस तरह की घटनाओं में आखिर क्यों होती है लापरवाही? सिखलाई जो है कल तुरंत ही बुलवा लिए गए थे, तो पूरा दिन कल चला कार्रवाई, पूरी रात चली, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जैसे ही हम लोग नीचे जाते हैं तो नीचे की मिट्टी बहुत बलुई है, तो जैसे ही हमारे सेना के जवान जो है नीचे जाने का प्रयास करते हैं और जो है सुरंग बना के लड़की तक पहुँचने का प्रयास करते हैं, वैसे ही जो है मिट्टी गिर जा रही है, तो इस वजह से 2 बार जो है हमारे जवान भी इसमें आहत हुए हैं। हालांकि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ और उन्हें बचा लिया गया, लेकिन उसके बाद जो है एनडीआरएफ की टीम आ गई है, एसडीआरएफ की भी लगी हुई है, तो अभी ऑपरेशन जो है लगातार चलता रहेगा और इसमें ऑक्सीजन भी दी जा रही है और बराबर जो है एहतियात भी बरते जा रहे हैं कि जो हमारी लड़की है जो नीचे दबी हुई है उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। तो आप सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तीनों यहाँ पे हैं, उम्मीद है कि जल्दी से जो है हमारा ऑपरेशन जो है वो कामयाब हो जाए। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट, फरुखाबाद। दीदारगढ़ आजमगढ़ क्षेत्र के श्री शंकर जी इंटर कॉलेज पुष्पनगर के छात्रों ने लोकतंत्र महापर्व 2019 से अधिक मतदान करने के लिए मतदाताओं को रैली निकालकर उत्साहित किया। वहीं छात्रों ने हाथों में बैनर लेकर
जागो जागो हे मतदाता, तुम हो भारत भाग्य विधाता जैसे नारे लगाते हुए पूरी बाजार का भ्रमण किया और मतदाता जागरूकता रैली का नेतृत्व प्रधानाचार्य शिव प्रसाद मिश्र कर रहे थे। वहीं इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक भगवती प्रसाद गुप्ता, राजेंद्र उपाध्याय, संतोष कुमार यादव, विनय कुमार शुक्ल, रविन्द्र यादव, मोहन स्वरूप, अरुण कुमार यादव, संजय पाल, जगदीश सिंह सहित हजारों छात्रों ने रैली में भाग लिया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, आजमगढ़।